क्लास सिक्स में कल हमने एक लेसन शुरू किया था, सेकंड चैप्टर जिसका नाम था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उन कंपोनेंट्स के फंक्शन क्या क्या, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी, और व्हाट इज द रोल ऑफ द कंपोनेंट्स इन आवर बॉडी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द कंपोनेंट्स, कि उन सोर्सेज से क्या है कि हमें कि उन कंपोनेंट्स को कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त किया जा सकता है, ये कल टॉपिक हमने कवर किए थे। तो ये टॉपिक करने के बाद मैंने आपको कुछ 7-8 क्वेश्चंस डाले थे, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जो उस वीडियो में ही है। तो किसी बच्चे ने अगर वो क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखें, उसी वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चंस का आंसर है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उस वीडियो के अंदर आपको न बताया गया। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करते हैं वो हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो देखिए। पहला टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ये हमारा टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डे दो टॉपिक। तीसरा टॉपिक है हमारा माल न्यूट्री प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ले सकते हो आप, पीको न्यूट्रिशन, इसी में आपको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है आपका। और उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी, इसी के अंदर आप ले सकते हो विटामिन डेफिशिएंसी। और उसके बाद आता है आपका, इसी में आप ले सकते हो मिनरल डेफिशिएंसी, इसके बाद इसको ले सकते हो मिनरल। तो कहने का मतलब आज के वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन से, बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होता है कि इसमें दो चीजें बताएंगे, डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। उसके बाद उसी में डेफिशिएंसी समझने के बाद विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी, ये इसके सब टॉपिक बनेंगे। माल न्यूट्रिशन क्या होता है वो बताया जाएगा। और माल न्यूट्रिशन में आपको जो टॉपिक आपको बुक्स में दे रखा है वो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन दे रखा है, वो पढ़ लेंगे हम। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार। बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार एक तरह से हम आप ये बता देते हैं, एक तरह से पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि आपकी ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब एक प्लेट में क्या है, सपोज करो आपके पास घी प्लस शुगर प्लस आपका ऑयल से बना हुआ कुछ फैट है इस प्रकार से, और इसमें क्या है आपका मिल्क है, राइस है, शुगर है, एग है, प्लस एग को भी रहने दीजिए, चलो आप वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल्स इस प्रकार से। तो ये है, तो देखिए इसमें आपको सारे में क्या है, ऑयली वेजिटेबल्स, ऑयल ज़्यादा है, घी और ऑयल, फैट ज़्यादा है। तो कहने का मतलब इसके अंदर आपको किसमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, फैट का, और इसमें क्या है, सभी। तो एक ऐसी डाइट जिसके अंदर हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सभी प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं, वो कहलाती है बैलेंस डाइट, और हिंदी में संतुलित आहार। और जिसमें किसी भी एक एक्सेस मात्रा में कोई एक कंपोनेंट हो, किसी के कोई न हो, इस प्रकार का जो डाइट होती है वो डाइट तो होती है लेकिन बैलेंस डाइट नहीं होती वो, ठीक है। तो अब हम इसके जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या होती है, डाइट विच कंटेन ए गुड बैलेंस ऑफ किसका, न्यूट्रिएंट का, ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो कहने का मतलब आपको समझा चुके हैं पहले कि एक ऐसे डाइट जिसमें आपके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के वो एक प्रॉपर मात्रा में पाए जाते हैं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया कि बैलेंस डाइट क्या होता है और किस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ये हमने कवर अप कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिशिएंसी लैकिंग, डेफिशिएंसी को एक और दूसरे क्या है, लैकिंग इन सम न्यूट्रिएंट ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन क्या, लैकिंग लैकिंग ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। इसको कैसे समझ सकते हैं, डेफिशिएंसी होता है कमी। जैसे एक सपोज कीजिए बहुत एक साल से, दो साल से, तीन साल से आप दूध नहीं पी रहे, ठीक है, तो दूध नहीं पी रहे तो दूध में किसकी मात्रा होती है, प्रोटीन। तो अब अगर आप ऐसी कोई और वस्तु ना खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है तो आपको क्या होगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोटीन की मात्रा, जैसे एग में भी प्रोटीन होता है और मिल्क में भी प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की अगर कोई मात्रा नहीं खा रहे तो आपके शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन की। तो उस केस में वो किसकी कमी कहलाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, वो किसकी कहलाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये होती है आपकी डेफिशिएंसी, समझ गए, समझ गए। अब आएगी हमारा जो मेन टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। डिजीज हम डिजीज मोती बीमारी, बीमारियों को हम दो ग्रुप में हम नाम दे सकते हैं, एक तो डेफिशिएंसी में, एक डेफिशिएंसी और नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल इसको डेफिशिएंसी डिजीज को एक दूसरा नाम भी है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कम्युनिकेबल डेफिशिएंसी, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। तो डिजीज बीमारियों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल को डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस, कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंस होता है, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये आपके शरीर में किसी पौष्टिक तत्व की कमी से होती है। ये जो बीमारी डेफिशिएंसी डिजीज, इट कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी and these are the diseases caused due to of virus or bacteria। ये जो communicable diseases होती हैं ये bacteria virus के through होती हैं, which are spread through from one human to other human by the air or water or some virus or bacteria। कि ये जो communicable जो diseases होती हैं ये आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर transmission transfer होती हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरिया कीटाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा। इसमें आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं मलेरिया, कोलेरा और जो आजकल कोविड 19 जो चला हुआ है, ये भी एक वायरस है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि ट्रांसफर होती है ह्यूमन बींग्स में, एक ह्यूमन से अनोदर में। और ये जो बीमारी होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, हमारे अंदर, मैं हरी सब्जी नहीं खाता, पत्तेदार हरी सब्जियाँ नहीं खाते, तो मेरे अंदर कौन सी कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई। विटामिन ए की कमी से मुझे किसकी आंखों का रोग है, अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, जो मेरा विजन है आंखों का वो कम हो गया, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। और मलेरिया क्या है,
कम्युनिकेबल डिजीजेज है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये जो कमी होती है डेफिशिएंसी डिजीज, ये किसी पौष्टिक आहार की कमी से होती है। तो इनमें यहां लिख देता हूं आपको, डिजीज विच ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इसके एग्जांपल आपको क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होती है, बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होती है, और कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज विच आर, ये आपके टॉपिक में नहीं है वैसे, आपको बताया जा रहा किताब में नहीं दे रहेगा, द डिजीज आर विच आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर पर्सन, सच टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो सकते मलेरिया, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ये सारे आपके होते हैं। तो अब हमने डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ लिया, अब जो हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ ली है, तो अब हमारी आएगी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। विटामिन डेफिशिएंसी क्या होती है, विटामिन डेफिशिएंसी मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था, डेफिशिएंसी क्या मतलब होता है, कमी, और यहाँ विटामिन डेफिशिएंसी होता मतलब विटामिन की कमी, शरीर में विटामिन की कमी। तो विटामिन ए की कमी से होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसकी आपकी जो रात को है वो नजर कमजोर हो जाएगी। इसमें आपको क्या खाना चाहिए, सोर्स है इसका विटामिन ए का ग्रीन लीफी वेजिटेबल, खानी चाहिए, ठीक है। विटामिन बी से आपका बेरी हो जाएगी, ये बीमारी है आपकी जो डेफिशिएंसी के से होती की कमी से होती है। तो विटामिन बी में आपको क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगी। इसमें क्या होगा, मसल्स जो है वो वीक मसल्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये इसमें आपको एग वगैरह जो है सोर्सेज वो लेने चाहिए, उसमें घाव भी जल्दी से नहीं बढ़ते। उसके बाद आता है विटामिन सी, इससे होता है स्कर्वी, ये आपका होता है किसमें, इसमें ब्लीडिंग गम्स जो बीमारी होते हैं, क्या वो ब्लीडिंग गम्स जो आपके मसूड वगैरह होते हैं उनमें से खून आने लग जाता है, ये बीमारी के लक्षण होते हैं, ठीक है। इसमें आपके लेमन और ऑरेंज और आंवला, ये चीज़ें इसके सोर्स है, मतलब विटामिन सी में आपको क्या, लेमन और ऑरेंज, ये चीज़ें खाने से आपको विटामिन सी की पूर्ति होती है। उसके बाद विटामिन डी से आपको रिकेट्स होते हैं, इसमें जो बोन्स वगैरह होती हैं, बोन्स वीक होती हैं और बेंट भी होती हैं, आपकी मुड़ सकती हैं इसको ये। और विटामिन डी आपका इसका मेन जो सोर्स है वो सन, व्हेन आवर बॉडी एक्सपोज टू सनलाइट आवर बॉडी मैन्युफैक्चर द विटामिन डी। ये आपके विटामिन डेफिशिएंसी कवर कर रखा आपकी बुक्स के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,
माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है, माल न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। माल न्यूट्रिशन अगला जो टॉपिक हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन जो टॉपिक है उसका मतलब होता है कुपोषण। इसका क्या होता है, ये इट इज अ डिजीज, इसमें लिख लेते हैं इट इज ए डिजीज विच इज क्रिएटेड बाय रिलेटिव और एब्सोल्यूट न्यूट्रिएंट बाय एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी और एक्सेस। देखिए ये दोनों प्रकार से हो सकता है, डेफिशिएंसी से भी हो सकता है और एक्सेस से भी हो सकता है ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, ये आपका होता है। देखिए क्या है, माल न्यूट्रिशन इज डिजीज, ये एक प्रकार की बीमारी है विच इज कॉज जो पैदा होती है क्रिएटेड बाय रिलेटिव और एब्सोल्यूट, मतलब एक रिलेटिव और एब्सोल्यूट मेरा एक मेन ये भैया मुख्य कह सकते हो आप डेफिशिएंसी कमी से या अधिकता से, एक्सेस होता है अधिकता से या डेफिशिएंसी कमी से ऑफ वन एक न्यूट्रिएंट या एक से अधिक न्यूट्रिएंट से, दोनों कंडीशन में होती है। अगर कमी होगी तो भी माल न्यूट्रिशन होता है और ज़्यादा हो जाती है तो भी, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। माल न्यूट्रिशन आपके दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो अंडर और एक ओवर। अंडर माल न्यूट्रिशन, और ये ओवर माल न्यूट्रिशन। अंडर माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी, क्या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होगी, और ये होगी ओवर मतलब एक्सेस से। जैसे किसी बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिलता, उसमें कमी होती चली जाती है धीरे धीरे उसकी बॉडी में, वो किसका न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से वो बीमार हो जाता है या उसमें एक प्रकार की विशेष जो जिस पौष्टिक तत्व की कमी होती है वो बॉडी उससे या वो बच्चा उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और इसमें क्या होगा, एक्सेस, जैसे आजकल आपने किसी बहुत मोटे व्यक्ति को देखा होगा ना, तो उसमें क्या होगा एक्सेस ऑफ फैट जमा हो जाता है, तो वो किसका शिकार है, ओवर माल न्यूट्रिशन का शिकार है वो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, अंडर माल न्यूट्रिशन और ओवर माल न्यूट्रिशन। और अंडर माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, डेफिशिएंसी होती है, कमी से होती है वो। ओवर माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्सेस मतलब अधिकता से वो चीज़ें होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, आपका टॉपिक दे रखा है, इसके अंदर हम उसको कवर अप करते हैं। प्रोटीन ये पढ़ाने के बाद आप बुक से रीड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपकी किताब में से मैंने लिए हैं, वहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। माल न्यूट्रिशन से क्या होता है, दो प्रकार की बीमारियां होती है, दो बीमारी होती है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की कमी से आपको दो प्रकार की बीमारी, एक तो कवाशिकार, और दूसरी मरण। ये दो बीमारियां होती हैं जो माल प्रोटीन की कमी से आपके होती है। ये जो होती है ये 1 से 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर पाई जाती है, और ये होती है बिलो 1 ईयर, कि जब मदर अपने फीडिंग बेबी को
ब्रेस्ट से दूध पिलाना बंद कर देती हैं और वो बच्चा किसी और सप्लीमेंट पे निर्भर हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और उस वक्त वो बच्चा ज़्यादातर अपने माँ पे के दूध पे ही डिपेंड होता है, तो उसके शरीर में क्या होता है कि इन प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। तो ये दो मुख्यतः बीमारी हैं जो आपको इस टॉपिक में डिस्कस की गई है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो ये कवासी का जो वन बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है, मारसमस जो है वो भी प्रोटीन की कमी से होती है, ये 1 से 3 के एज के जो बच्चे उनमें होती है, ये बिलो 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। इसमें आपको ज़्यादातर अगर आपको ज़्यादा कर रखी होंगी तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपकी, ये जो पिक्चर्स है इसमें पिक्चर्स में आपको देखिए दिखा रखे हैं दोनों प्रकार के बच्चे जो हैं आपके दिखा रखे हैं, एक मारसमस है एक कवासीकार से दिखा रखे हैं, आपको रीड आउट कर लीजिए, इनमें सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अब हमारा मिनरल डेफिशिएंसी, कल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने मिनरल्स में आपको टाइप्स ऑफ मिनरल्स बताए थे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सारे मैंने आपको कल के जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताए थे और उसके बारे में आपको बताए थे। मिनरल डेफिशिएंसी होता है खनिजों की कमी, मिनरल डेफिशिएंसी जो हमारे शरीर में जो खनिज है मिनरल डेफिशिएंसी होते हैं उनकी कमी से जो बीमारी है, या कौन कौन से खनिज हैं वो कल मैंने आपको कल भी बताया था, टाइप कैल्शियम, कैल्शियम से हमारा किस पे इफेक्ट होता है, बोन्स एंड टीथ पे असर होता है, तो इन पे चीज़ों पे हमें दिक्कत होती है। तो क्या होती है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज किसका, बोन्स एंड टीथ डिजीज, जो बोन दांत संबंधित या हड्डियां कमजोर होने की जो शिकायत होती है वो कैल्शियम की कमी से ही पाई जाती है हमारे शरीर में, समझ में आ गया। जो नेक्स्ट टर्म है अनीमिया, जो अनीमिया किसके उससे होता है आपको, आपका आयरन, आयरन नेक्स्ट हमारा मिनरल क्या था, आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है अनीमिया, अनीमिया इससे हमारा आयरन की कमी से क्या हो जाता है अनीमिया हो जाता है। तो इसकी कमी से होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं क्या, थकावट होती है हमें, इसके थका इससे क्या होती है थकावट होती है हमारे शरीर में, ब्रिथलेसनेस और बार बार हमें सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। और तीसरा जो है गोइटर, जिसमें आयोडीन, आयोडीन ये तीन इसके बारे में जिक्र किया गया है, आयोडीन की कमी से क्या होता है गोइटर होता है, घेंगा जिसको बोलते हैं घेंगा, जो टीवी में एड भी आती है ना नमक वगैरह से, तो उसमें आयोडीन नमक वगैरह के, तो ये आपके मिनरल डेफिशिएंसी है। तो तीन प्रकार के मिनरल्स आपको टाइप्स बता दिए, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम की कमी से बोन्स वगैरह टीथ में इफेक्ट होता है, आयरन की कमी से आपके अनीमिया हो सकता है और आयोडीन की कमी से आपको गोइटर हो सकता है, ये आपके मिनरल डेफिशिएंसी। ये मैंने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आपको कल जो है इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप इसी वीडियोस को अच्छे से रीड आउट या सुन के उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। थैंक यू।